हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिप्टो न्यूज़ इन हिंदी में, जहां हम देते हैं आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर जरूरी खबर और रखते हैं आपको क्रिप्टो वर्ल्ड से अपडेट। तो दोस्तों, आज की खबर ये है कि यूनाइटेड स्टेट की अथॉरिटीज़ ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक स्टार्टअप क्रिप्टो कंपनी को धमकी दी थी कि अगर वे क्रिप्टो करेंसी में उन्हें लाखों डॉलर नहीं देंगे तो वे उनके स्टार्टअप को डिस्ट्रॉय कर देंगे। 18 सितंबर को न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस अटॉर्नी ऑफिस ने एफबीआई के साथ मिलकर स्टीवन निरायोफ और मिशेल हैलडी को अरेस्ट करने की घोषणा की। दोनों लोगों पर एक क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप से जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, निरायोफ एक वकील जिसे सेटल बेस्ड कंपनी के इनिशियल कॉइन ऑफरिंग में सहायता करने के लिए हायर किया गया था और दूसरे को ऑपरेशन गाय के रूप में लाया गया था, और कंपनी में हायर करने के बाद दोनों ने जबरन वसूली के संकेत दिखाने शुरू कर दिए। जब उन्होंने किसी भी सेवाओं को पेशकश नहीं करने के बावजूद रेस्ड कैपिटल और कंपनी टोकन में लाखों डॉलर की मांग की, और दोनों आदमियों ने कंपनी एग्जीक्यूटिव को आईसीओ के तोड़फोड़ और स्टार्टअप को डिस्ट्रॉय करने की धमकी भी दी। वहीं रिचर्ड पी डोंग्यू ने बताया कि निरायोफ और हैलडी ने ओल्ड फैशन शेकडाउन को अंजाम दिया है और उनके ऑफिस और एफबीआई के पार्टनर बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटेड है, चाहे डिमांड क्रिप्टोकरेंसी और यूएस डॉलर के लिए ही क्यों ना हो। साथ ही एफबीआई असिस्टेंट डायरेक्टर इंचार्ज विलियम स्वेनी ने बताया कि दिस इज क्लासिक एज ओल्ड एक्सटॉर्शन स्कीम विद द मॉडर्न डे ट्विस्ट, मतलब अपराधियों ने जो जबरन वसूली की स्कीम चलाई है ये मॉडर्न ट्विस्ट के साथ काफ़ी पुरानी और क्लासिक स्कीम है। आगे वे कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी कंपनी से जबरदस्ती मांग करना एक रिस्की बिजनेस है, फिर चाहे पैसे कैश में मांगे जाए या क्रिप्टो करेंसी में, और एफबीआई जो है वो उन विक्टिम्स के न्याय के लिए लड़ेंगे जिनके बिजनेसेस इस तरह के स्कैम से टारगेटेड हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि कोइन टेलीग्राफ की अगस्त की रिपोर्ट में बताया गया था कि सिमेंटेक की रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्रिमिनल्स ने 12 महीनों में सेक्सटोर्शन और बॉम्ब थ्रेट स्कैम से बिटकॉइन में $1.2 मिलियन अर्न करने में सक्सेसफुल रहे हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मई 2019 में इस तरह के स्कैम से जुड़े वॉलेट ने 12.8 BTC रिसीव किए, जिसकी वैल्यू उस टाइम $10,06,240 थी। तो दोस्तों, देखा कि लोग किस तरीके से क्रिप्टो वर्ल्ड में स्कैम करके लाखों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन स्कैम पर तुरंत काबू भी पाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो अगली खबर आ रही है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया बिटकॉइन के जैसी एक क्रिप्टो करेंसी को डेवलप करने वाला है। वो अभी फिलहाल इसके इनिशियल स्टेज पर है। 18 सितंबर की वाइस न्यूज़ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया को इंटरनेशनल सैंक्शंस से बचाने और US डोमिनेंट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के आसपास का रास्ता फाइंड आउट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नॉर्थ कोरिया क्रिप्टो कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल इंचार्ज अल्जेंद्रो काओ दे बिनोस ने कहा कि इसका जो नाम होगा वो बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी की तरह ही होगा। आगे वे कहते हैं कि अभी हम टोकन क्रिएशन के पहले स्टेज पर हैं और हम जो है वो गुड्स को स्टडी करने के फेस में हैं जो इसे वैल्यू देगा, और अभी तक इसे डिजिटाइज करने का कोई प्लान नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि अभी थोड़े टाइम पहले खबर आई थी कि चाइना अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आ रहा है, वहीं अब नॉर्थ कोरिया भी अपने टोकन को डेवलप करने में लग गया है। लेकिन भारत की बात करें तो यहाँ पर आप सब जानते ही हैं कि खुद की करेंसी लाना तो दूर की बात, क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर ही केस चल रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। खबर आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्रिप्टो वर्ल्ड से अपडेट रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, क्योंकि हम रखते हैं हर खबर पर नज़र।